चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। जो कल का ट्रेनिंग सेशन रहेगा फ्राइडे का दिन 8 अक्टूबर का, तो कल के ट्रेनिंग सेशन में कौन से लेवल इंपॉर्ट रहेंगे इस वीडियो में बताने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सको। यहाँ पे जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 17,790 पे, 144 पॉइंट यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग होता है देखने को। कल देखे तो मार्केट एक अच्छा सा नीचे की तरफ आ रहा, आज देखे गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ यहाँ पे सस्टेन किया। एडवांसेस में देखे तो 33 देखने को मिल रहा है, डिक्लाइंस में देखे तो 17 देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी ऑप्शन चेन एनालिस करेंगे। आज तक वीकली ऑप्शन मतलब वीकली एक्सपायरी था, तो जो ऑप्शन चेन एनालिस करने वाले, जो अगली जो 14 अक्टूबर का जो ऑप्शन चेन है तो वो अपन एनालिसिस करने वाले। जो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 17,800 के नियर बाय, तो चलिए 17,800 का लेवल देखे तो ये वाला लेवल देखने को मिल रहा है जो कि 17,800 का लेवल है। ऊपर की तरफ हाईएस्ट कॉल राइटिंग देखे तो यही पे देखने को मिल रहा है जो कि 17,800 का लेवल है, एक अच्छा सा रेजिस्टेंस के लिए वर्क कर रहा है। यहाँ पे 15,000 कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है और उसके बाद 8,000 यहाँ पे कॉल राइटिंग देखने को मिल जो कि 17,800 का लेवल। उसके अगेंस्ट अगर यहाँ पे मार्केट में देखे तो अगर सपोर्ट देखे तो अच्छा सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि 30,000 यहाँ पे देखे फिलहाल के लिए, तो 30,000 पुट राइटर है तो 17,800 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के लिए वर्क करेगा। कल अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है यहाँ पे पुट राइटर्स निकलते तो नीचे के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा 17,700 का, लेकिन ऊपर की तरह 850 और 900 का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी डेली कैंडलस्टिक पे देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है निफ्टी का। अगर डेली कैंडलस्टिक देखे तो मैंने बोला था कि एक बड़ा सा रेड कैंडल हुआ है, इस रेड कैंडल के लो के नीचे वीकनेस देखने को मिल सकती है और इस हाई के ऊपर एक अच्छा सा स्ट्रेंथ देखने को मिला। उसी के अंदर यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा सा इंडिसिजन कैंडल बनाया जो कि ऊपर नीचे दोनों साइड के आज ट्रेड दिए, मतलब दोनों साइड की मोमेंटम किया। चले भी 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे इंट्राडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्ट रखे। अगर 15 मिनट का चार्ट देखे तो क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है यहाँ पे अपन देखने वाले। 15 मिनट का चार्ट देखे तो यहाँ पे अगर देखे तो यहाँ पे देखे तो ये जो जोन है, ये जोन रेजिस्टेंस के लिए वर्क कर रहा है जो कि 17,750 का जोन है। और नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखे तो अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट 17,770-17,780 का जोन है। कल अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है और यहाँ पे 760 इसके नीचे निकलता है तो एक शार्प डाउनफॉल मिल सकता है मॉर्निंग में जो कि उसको 700 का लेवल के लिए सपोर्ट करेगा। लेकिन इसी रेंज में ओपन होकर जब ये 17,860 इस लेवल के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तब एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे एक मोमेंट इसी साइडवेज ट्रेंड में निफ्टी फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। कल अगर इंपॉर्टेंट देखे तो TCS का रिजल्ट है, RBI की पॉलिसी है, तो एक वॉलेटाइल सेशन रह सकता है। कल अगर आप ट्रेड नहीं किया तो भी चलेगा, मैं भी देखूंगा अगर मेरे को कुछ अच्छा ट्रेड मिलता है तो ही ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि एक न्यूज़ है मार्केट में। इस न्यूज़ के कारण अगर देखे तो यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी शो कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए मैंने आपको लेवल्स बता दिए। नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखे तो ये वाला जोन आ रहा है जो कि 17,750 का लेवल, और उसके बाद में जो सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे 650 का लेवल। लेकिन मैंने बाय आपको कब बोला है, जब 850 के लेवल के ऊपर सस्टेन करे तब एक बुलिश मोमेंटम हो सकता है, अदरवाइज इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड करता हो देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सपोर्ट पे आते तो यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है 700 या लेवल के लिए, यहाँ पे 730 के लेवल पे, तो एक बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी आप रह सकते हो, अदरवाइज ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए भी निफ्टी का व्यू बताया आपको कौन से लेवल है, किस तरह से आप ट्रेड कर सकते। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखे तो बैंक निफ्टी अच्छा सा मोमेंटम किया, आज एक नीचे की तरफ मोमेंटम भी किया, गैप अप भी ओपन हुआ, तो 37,700 के यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया। तो अगली जो एक्सपायरी है 14 अक्टूबर का, उसका ऑप्शन चेन डाटा अपन एनालाइज कर रहे हैं। जैसे कि देखे तो 37,800, तो 37,800 का ये वाला लेवल है। अगर यहाँ पे देखे तो 37,800 के लेवल के ऊपर ऊपर की तरफ अगर देखे तो 19,000 कॉल राइटिंग है जो कि 38,000 का साइकोलॉजी लेवल है, एक अच्छा सा रेजिस्टेंस के लिए वर्क करेगा। जब तक 38,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग मूड देखने को नहीं सकता और उसके ऊपर मोमेंटम है। लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट देखे तो 13,000-12,000 अच्छा सपोर्ट राइटिंग देखने को मिल रहा है, 700 और 800 अच्छा सा सपोर्ट के लिए वर्क करेगा। अगर स्ट्रॉगेस्ट सपोर्ट देखे तो 37,500 का लेवल है, जब 37,500 का लेवल के नीचे ब्रेक करेगा तब एक वीकनेस देखने को मिल सकता है। लेकिन ऊपर की तरफ अगर 38,000 के यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे कोई ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं करते तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कर सकते हैं। चलिए अभी चार्ट पे आपको फिलहाल चार्ट को आपको पूरा बता देंगे, चार्ट पे पता चलेगा किस तरह से मोमेंटम कर रहा है। डेली कैंडलस्टिक पे फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी को देख लेंगे, डेली कैंडलस्टिक पे क्या देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। डेली कैंडलस्टिक पे देखे तो जैसे कि मैंने बताया 37,700 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिए, तो एक अच्छा सा बुलिश साइन देखने को मिल रहा है। अभी तक जब तक 37,700 के ऊपर है तो एक बाय एंड स्ट्रेटजी रख सकती है, जब तक 37,700 के नीचे आता है तो वीकनेस देखने को मिल सकता है। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है। 15 मिनट का चार्ट अगर देखे तो आज पूरा का पूरा दिन मार्केट ने एक रेंज बाउंड ट्रेड किया। अगर देखे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ का जो रेंज था जो कि 37,900
हंड्रेड का और नीचे की तरफ का जो 37,700 का, कल ही इसी रेंज में ओपन होता है। जब तक यहाँ पे 37,908 ये लेवल निकलेगा नहीं, तो ऊपर की तरफ तो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 38,000 का, और यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलता है तो छोटा सा आपको ट्रेड मतलब प्रॉफिट कम बुक करना पड़ेगा। जब तक 38,000 देख सके 38,050 का जो लेवल है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तभी एक मोमेंटम ऊपर की तरफ हो सकता है। लेकिन अगर कल मॉर्निंग में यहाँ पे नीचे की तरफ मोमेंटम कर रहा है और मॉर्निंग में यहाँ पे देख सकते हैं 650 का, मैं बता रहा हूँ 650 का लेवल अगर इमीजिएटली ब्रेक करता है तो यहाँ पे गैप फिल करने के लिए आ सकता है, जो कि 37,500 का लेवल यहाँ पे गैप है और इसी रेंज में ट्रेड करता है। अगर मॉर्निंग में यह लेवल तोड़ता है 650 का तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे नीचे की तरफ एक अच्छा सा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन भी देखें तो नीचे की तरफ ही बन सकता है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, लेकिन 37,500 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है मार्केट, यहाँ पे डिफेंड करता है तो यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकता है और यहाँ पे न्यूज के कारण भी एक मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देखे तो 37,450-500 का सपोर्ट है, लेकिन मॉर्निंग में अगर मैंने फिर से बताया कि मॉर्निंग में ये रेंज को निकालता है 650 के लेवल को तो एक नीचे की तरफ गैप फिल करने के लिए आ सकता है। तो इन लेवल के साथ आप बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अभी डेली कैंडलस्टिक पे अपन देखेंगे जो हेवी वेट स्टॉक्स है उनके बारे में क्या देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखिए तो रिलायंस में थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक फिर से अगर जैसे कि एचडीएफसी बैंक ने एक अच्छा सा मोमेंटम किया लेकिन ऊपर की तरफ से थोड़ा सेलिंग का प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस देखे तो इन्फोसिस यहाँ पे कोई व्यू नहीं है। एचडीएफसी में थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर देखने को, यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आईसीसी बैंक में कोई व्यू नहीं। टीसीएस देखे तो कल टीसीएस का रिजल्ट है और यहाँ पे जो डिसेंडिंग ट्रायंगल बना था उसका एक ब्रेकआउट दिया, तो टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो एक बुलिश मोमेंटम कर सकते हैं जो कि उसको लेके जाएगा 3944 के पास में। तो चलिए कल देखते हैं टीसीएस किस तरह से मोमेंटम करता है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रहा है, एचयूएल भी वीकनेस देखने को मिल रहा है, एक्सिस बैंक भी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है, एलएनटी देखे तो कोई व्यू नहीं, एसबीआई अगर देखे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकलता तो अभी कोई मोमेंटम नहीं, अभी अदरवाइज इसी रेजिस्टेंस को लेकर यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ देखने को मिल सकता है। इंडसइंड बैंक फिर से अगर देखें तो यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे इंडसइंड बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक इनमें अगर कोई स्ट्रेंथ आता है ऊपर की तरफ तो अभी बैंक निफ्टी में अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे जैसे ही रिजेक्शन लेते हैं उसी तरफ से बैंक निफ्टी में प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो चलिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू बता दें कल के लिए कौन से लेवल है, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। कल एक टीसीएस का रिजल्ट भी है और यहाँ पे एक आरबीआई पॉलिसी, तो केयरफुली आप ट्रेड कीजिए। और जिन लोगों ने अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जाके मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले किस तरह से एनालिसिस रहता है, किस तरह के लेवल फाइंड करते हैं अपन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू।